अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई एम श्योर सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है वाइट सॉस मैक एंड चीज़, जो कि बच्चों का, बड़ों का, सबका बहुत ही फेवरेट होता है। जो रेसिपी आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो बहुत ही आसान है। सिर्फ 25 मिनट्स में आपका वाइट सॉस मैक एंड चीज़ बन के रेडी हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। चिकन को मैंने 1 घंटा मैरिनेट किया था इन सब स्पाइसेस के साथ, जिनकी डिटेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारे के सारे स्पाइसेस लगाकर हमने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब 1 घंटा हो चुका है, तो ये चिकन हम शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर और इसको गर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये बिल्कुल इसमें बबल्स बनने लग गए हैं। अब हम इसको लिड से कवर कर देंगे फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर आप इस तरह से लिड के साथ कवर करके इसको कुक करेंगे तो ये बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी होता है। तकरीबन यहाँ पर जो है 10 से 12 मिनट के बाद मैं लिड उठा रही हूँ, और आप देख सकते हैं चिकन के अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और ये बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा हमारा चिकन कुक होके रेडी हो चुका है। इसको मैं एक सेपरेट बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर चिकन को मैंने एक सेपरेट बोल में निकाल लिया है। अब इसी सेम पैन के अंदर हम शामिल कर देंगे बटर, और बटर को हम मेल्ट करेंगे। चलिए जी, बटर मेल्ट हो चुका है। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर मैदा शामिल कर दिया है। मैदा शामिल करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। एक तो मैदे की खुशबू आने लग जाएगी, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से जी मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। तकरीबन 2 मिनट के बाद अब यहाँ पर मैं इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ। दूध पहले हम थोड़ा शामिल करेंगे, सारा का सारा एक साथ शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा दूध शामिल करने के बाद इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा जो ये दूध है ये लंपी ना हो जाए, क्योंकि जब भी हम मैदे के अंदर दूध शामिल करते हैं तो उसमें लम्प्स बनने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मैदा इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम बाकी का जो हमारे पास दूध है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 मिनट कुक करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी काली मिर्च, साथ में सॉल्ट ऐड करूंगी। और अब आते हैं हम चीज़ की तरफ। हम इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये वाली स्लाइसेस वाली चीज़ हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी और कंपनी की है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक पूरी डिस्क मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, जिसमें 8 जो हैं वो इस तरह से ट्राइंगल्स होते हैं। 1 by 1 इस तरह से मैंने सब शामिल कर दिए थे। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, ताकि ये दूध के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसको कुक करेंगे, और कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी चीज़ है वो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था चिकन, जो कि हमने पहले ही कुक कर लिया था। अब चिकन शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए। 3 to 4 मिनट्स के बाद मैं इसमें ऑरिगेनो शामिल कर रही हूँ, और अब हम इसको एक क्विक मिक्स देते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट हम कुक करेंगे, ताकि सारे के सारे जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं उसका फ्लेवर जो है वो मिल्क के अंदर चला जाए। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर बॉयल किए हुए मैक्रोनी शामिल कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैक्रोनी को मैंने जो है वो सॉल्ट वाटर के अंदर अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। सारी की सारी मैक्रोनी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है, और इसको अब हम लिड के साथ कवर कर देंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स, ताकि जितने भी हमारे जो फ्लेवर्स हैं वो सारे के सारे मैक्रोनी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। और यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, और हम लिड को उठाते हैं, और देखिए हमारा मज़ेदार सा वाइट सॉस मैक एंड चीज़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही थिक सा ये का टेक्सचर है, क्रीमी सा, और आपने बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ही ड्राई हो जाती है। चलिए जी, अब ज़्यादा देर हम वेट नहीं करते हैं और इसको गर्मा गर्म कर लेते हैं डिश आउट, और दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक।
चलिए जी, यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। बहुत ही गरम गरम है। इसी तरह से आप इसको इंस्टेंटली बनाकर सर्व कीजिए। इसको आप ज़्यादा देर तक नहीं रखिएगा, नहीं तो ये बहुत ही ड्राई हो जाती है और फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। और हमारा वाइट सॉस मैक एंड चीज़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सी इसकी खुशबू आ रही है। मैंने चिकन के साथ ही इसको थोड़ा सा जो है वो गार्निश कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इस पर ब्लैक पेपर जो है फ्रेशली ग्रेट वो इसके ऊपर डाल दिया है। और बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा वाइट सॉस बिल्कुल देखें मैक एंड चीज़ रेडी हो चुका है। विद इन नो टाइम मैंने इसको रेडी कर लिया है। आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। मैं यहाँ पर इंजॉय करने वाली हूँ इसको, और आप भी इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, होगी आपसे फिर मुलाकात किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।